सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी गांधरबल नुसरत अली हका की हिदायत पर और चेयरमैन तहसील लीगल सर्विसेज कमेटी कंगन इसरारुल नबी की रहनुमाई में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कंगन और ह्यूमन राइट्स एंड एंटी करप्शन फोरम डिस्ट्रिक्ट गांधरबल के इश्तराक से तहसील लीगल सर्विसेज कमेटी कंगन ने आज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कंगन में मंशियात के इस्तेमाल के खिलाफ आलमी दिन के हवाले से एक आगाही प्रोग्राम का इनेकाद किया। चेयरमैन तहसील लीगल सर्विसेज कमेटी कंगन मिस्टर इसरारुल नबी इस मौके पर मेहमानी खसूसी थे। मजकूरा आगाही प्रोग्राम में प्रिंसिपल GDC कंगन, फैकल्टी मेम्बरान, PRIS, सामाजिक कारकुन, तुलबा, TLSC कंगन के PLOs और दीगर शोबे हाई जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने शिरकत की। प्रोफेसर एजाज अहमद, प्रिंसिपल डिग्री कॉलेज कंगन सदफ नज़ीर, डॉक्टर नुजहत फिरदोस, सामाजिक कारकुन व सहाफ़ी अब्दुल गनी निज़ामपुरी, नज़ीर अहमद रैना सरपंच, प्रोफेसर मुदसर नज़र ने मजकूरा मौजू पर तकारीर की। प्रोफेसर एजाज अहमद ने अपनी इफ्तिताही तकरीर में मंशियात की लत के खतरे को ख़त्म करने के लिए शिरका से अहद लिया। रिसोर्स पर्सन एडवोकेट सजाद अहमद खान ने भी मजकूरा मौजू पर तकारीर की। उन्होंने बुनियादी तौर पर मंशियात के बारे में एदाद व शुमार के ऊपर तवज्जो मरकूज़ की। उन्होंने कहा कि भारत में मंशियात की लत के बायस फी घंटा 10,000 के करीब अमवात हो रही है। उन्होंने कहा कि जम्मू और कश्मीर भर में 10,00,000 नौजवान मंशियात की लत में मुलवस हैं। उन्होंने ये भी बताया कि 62,000 के करीब खवातीन लड़कियां भी इनमें शामिल हैं। मोजस चेयरमैन तहसील लीगल सर्विसेज कमेटी कंगन जनाब इसरारुल नबी, जो इस मौके पर मेहमानी खसूसी भी थे, ने कहा कि अगरचे हम सबको मालूम है कि मंशियात की लत बहुत बड़ा मसला है, लेकिन इसके बावजूद हम इस मसले को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मंशियात के खिलाफ जंग करना हमारी इज्तिमाई जिम्मेदारी है। लत और इसको सिर्फ आगाही प्रोग्रामों को मुनज़िम करके ही मुमकिन बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि ज़िंदगी में हमेशा दो तरीके पर अमल करना होता है, एक सही और दूसरा गलत होता है, और ये फ़र्क तक होता है कि वो किस रास्ते पर चलना चाहता है। उन्होंने कहा कि लोग हमेशा उन लोगों को याद करते हैं जो माशरे में कुछ अच्छा हिस्सा डालते हैं, और इस तरह हम सब मंशियात की लत जैसी माशरती बुराइयों में मुलव्वस होने के बजाय माशरे के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे। प्रोग्राम के इख्तिताम पर प्रोफेसर वसीम यासीन ने वोट ऑफ थैंक्स पेश किया। उन्होंने इस आगाही प्रोग्राम के इनेकाद पर चेयरमैन तहसील लीगल सर्विसेज कमेटी कंगन, प्रिंसिपल डिग्री कॉलेज कंगन, चेयरमैन ह्यूमन राइट्स एंड एंटी करप्शन फोरम जनाब फारूक अहमद खटाना और दीगर शिरका का शुक्रिया अदा किया। जी, मेरा नाम वसीम यासीन है और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ डिग्री कॉलेज कंगन में। आज हमने यहाँ पर जो प्रोग्राम मुनक़द किया, इसका मकसद यही है कि जो आजकल हम देख रहे हैं हमारा जो यूथ है वो ज़्यादा से ज़्यादा ड्रग्स में मुलविस पा रहा है, और इस ज़िमन में हमने ये जो आज एक इनिशिएटिव लिया, एक मैसेज जानी चाहिए फ्रॉम कैंपस टू कम्युनिटी, ताकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं या हमारा जो यूथ है ये समझे कि ये कितना मुज़िर है उनके लिए और ये उनके करियर को ख़त्म कर रहा है। इसी सिलसिले में आज हमारा यहाँ लीगल सर्विसेज डिपार्टमेंट के साथ हमने ये इश्तराक किया। इसमें हमारे कॉलेज का NSS और भी एक NGO है जिन्होंने इसमें शराकत की, और इससे हमें ये मकसद हासिल हुआ कि यहाँ पर जो कम्युनिटी के लोग हैं और यहाँ पर जो फार फ्लंग एरियाज़ से स्टूडेंट्स इस कॉलेज में आते हैं, उन्होंने इस चीज़ की अहमियत समझी कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि ड्रग से हमें दूर रहना चाहिए ताकि हमारी ज़िंदगी आगे बढ़े और खुशहाली की ओर हम जाएं। मेरा नाम नज़ीर अहमद रैना है, मैं सरपंच एसोसिएशन का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट होने के नाते आपसे मुखातिब हूँ। आज जो हमने डिग्री कॉलेज में लीगल सर्विस कमेटी की तरफ से एक ड्रग एडिक्शन का प्रोग्राम रखा था, एक एविडेंस कैंप के लिए, उसमें हमारे जज साहब आए थे, हमारे प्रिंसिपल साहबान आए थे, हमारे स्टूडेंट्स बच्चे आए थे और हमारे यहाँ के ज़ियादत लोग भी आए थे। बहुत अच्छी गैदरिंग थी अवेयरनेस के लिए कि ड्रग के लिए हम अपने बच्चों को अवेयर करें कि ड्रग करने के लिए आप कंट्रोल अपने आप में करें। जो बच्चे अभी बिगड़े हुए हैं, हमारी कोशिश यही है कि हम उसको सोसाइटी के थ्रू, बाकी लोगों के थ्रू, जिस तरीके से भी हो सके उनको हम कंट्रोल कर सकेंगे। मुझे लगता है कि
जो हमारे कश्मीर में मिलिटेंसी थी, हमें उसको ख़त्म करने में अब अल्लाह ने मदद की। और मुझे लगता है कि जो दूसरा अब ये मिलिटेंसी भी ख़तरनाक जो काम शुरू हुआ है वो ड्रग्स, हमें सबको मिलकर इसके खिलाफ काम करना चाहिए, चाहे सरकार हो, हमारी जनता हो, हमारे प्रिंसिपल साहिबान हो, हमारे पुलिस हो, हमारी पैरामिलिट्रीज हो, हम सबको मिलकर इसके खिलाफ काम करना चाहिए। सबसे ज़्यादा फ़र्ज जो बनता है हमारे माँ बाप का फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने बच्चों को इसके लिए अवेयर करें कि ये ड्रग्स जो है ये बहुत गलत चीज़ है। जी, मेरा नाम फारूक अहमद, मैं यहीं से बिलोंग करता हूँ। एक्चुअली आज जो प्रोग्राम था आज का, वो लीगल सर्विस कमेटी कंगन और हेमोडेट्स एंटी करप्शन फोरम के कोलैबोरेशन से हुआ था। आज के हमारे प्रोग्राम का मुद्दा था यहाँ कंगन के लोगों को, बल्कि पूरे कश्मीर के लोगों को ये पैगाम देना था कि ड्रग की जो बीमारी है इससे दूर रहें, और हमारे जो यूथ्स हैं इसको हम ड्रग से किस तरह निकालें, यही मकसद था आज का हमारा। हमने आज अपने नौजवानों को ये पैगाम दिया, और इसमें मेहमान खसूसी थे हमारे जो आज यहाँ के जस्टिस एस आर नबी साहब यहाँ पे कंगन के, वो यहाँ पे मेहमान खसूसी थे, उनकी क्यादत में ये प्रोग्राम हुआ। और आज हमारी तरफ से हेमोडेट्स एंटी करप्शन फोरम की तरफ से और लीगल सर्विस कमेटी कंगन की तरफ से यहाँ के नौजवानों को ये पैगाम दिया गया कि इस बीमारी से दूर रहें। So first of all, we are highly thankful to this college management who conducted this sort of program. And the burning issue faced by the people of Jammu and Kashmir is this drug madness. You know, where the situation is going bad to us, we need to nip this evil in the bud. So we need the support of the civil society as well as the parents, and as well as the imams. Police is supposed to do its work with effectively, so that this drug menace should come to an end. देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों का खैर मकदम करना चाहता हूँ। जिस तरीके से आज ड्रग अवेयरनेस प्रोग्राम मुनाकिद किए गए मैं डिग्री कॉलेज कंगन में, लेकिन ये खुले मैदान में होना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसकी अवेयरनेस हो। तो सबसे ज़िम्मेदारी जो यहाँ पे है पुलिस के साथ साथ यहाँ के ज़िम्मेदार शहरियों को भी इसकी ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए, अपने वालिदैनों को इसकी ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए। ये जो बच्चे इसमें बिगड़ चुके हैं उनको सही रास्ते पे लाने की जो ज़रूरत है, ख़ासतौर अपने माँ बाप को उस पर ध्यान देना चाहिए। पुलिस को जो इकदाम उठाना चाहिए, पुलिस को इस पर कड़ी से कड़ी सख्ती बरतने की ज़रूरत है। जिस तरीके हमें कई SPU ने SSPU ने इस पे काम किया है, जो इससे पहले यहाँ पे हमारे DSP साहब यासिर साहब रहे या हमारे ताहिर साहब रहे, उन्होंने ज़बरदस्त काम किए हैं इस पे, जिससे हमारे मुफ्त ड्रग यहाँ खसूसन कंगन में रहे। तो आज भी जो जावेद साहब है या हमारे जहर साहब SHO साहब है, जहर साहब, मुजफ्फर साहब DSP साहब है SDPO कंगन, उन्होंने भी काफ़ी अच्छे काम किए इस पे। तो आने वाले समय में इस ड्रग को हम अपने मादरी वतन हिंदुस्तान से दूर करेंगे, इस पे हम काम करेंगे। मेरा नाम हारून निफ्शा है और मैं यहाँ डिग्री कॉलेज कंगन का स्टूडेंट हूँ लास्ट सेमेस्टर का। और ये जहाँ पे दिन हुआ इंटरनेशनल ड्रग अब्यूज़ डे, ये अगेंस्ट ड्रग्स है। और जो यहाँ पे आज हमारे चीफ जस्टिस थे वो लीगल सर्विस कम्यूनिटी के मतलब ये थे जज थे। और ये जो है समाज में सबसे बड़ा बिद्दत है कि हर कोई जो है ड्रग्स लेता है। मतलब हम देखेंगे कि मतलब हर किसी मतलब सोसाइटी में ऐसे छोटे छोटे बच्चे हैं जो ड्रग्स करते हैं। जो आज यहाँ पे प्रोग्राम हुआ ये पंचायत लेवल से मतलब स्टेट लेवल तक हर किसी जगह पे होने चाहिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होने चाहिए, ताकि जो ये बड़ा बिद्दत है ये ख़त्म हो जाए। और अब मेरा नाम फयाज मदरेना है। ये जो आज आप लोगों ने प्रोग्राम किया या जो भी इसके साथ मुंसलिक थे, बहुत ही अच्छा है, ये होते रहना चाहिए। और आज भी जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, लेकिन मैं आपको ये बात अर्ज़ करूं कि कोई भी मज़हब, चाहे वो रामायण हो, गीता हो, कुरान हो, हदीस हो, बाबिल हो, कोई भी मज़हब, जितने भी कायनात में मज़हब हैं, कोई भी मज़हब या बुराई करने का इजाज़त नहीं देता है। और इस बुराई को ख़त्म करने के लिए हमें खाली ये नहीं करना है कि बस हमें आज हमने प्रोग्राम किया तो बस, ये हमें घर से लेके हम जिसको कहते हैं संतरी से लेके मंतरी तक, ये जिम्मेदारी हर एक पे है। ये मजहबी पेशवा है, गवर्नमेंट में जो अफराद है, जो सिविल सोसाइटी है, गाँव में जो अफराद हैं,
नंबरदार साहिबान जो है, पंच साहिबान है, सरपंच साहिबान है, बी डी सी साहिबान है, गवर्नमेंट के जितने भी हैं जिम्मेदारान हैं, हर एक की जिम्मेदारी है वो इस पर काम करें। लेकिन ये काम तभी होगा जब हम जिम्मेदारी से वाकई ये सोच करें कि इस इंसानियत को हमें बचाना है। जब तक हम ये नहीं सोचेंगे तब तक मुझे नहीं लग रहा है कि अब देखो आज क्या हो रहा है कि उस्ताद का भी इज्जत नहीं है। आज एक शागिर्द उस्ताद के सामने सिगरेट पी रहा है ना, गलत गलत है चीज़ें कर रहे हैं। आप देखो आपके जो हैं अदब से हर रोज़ आ रहा है। इंसान शर्म इंसानियत शर्मसार हुई है। इंसान अब बात सुनने के काबिल नहीं रहा। अब उसके कान कहते हैं मैं आप क्या सुनूँ। इसलिए सबसे जिम्मेदारी क्या कुरान के इन सलात तनहा अनफाशा वन कर, जो अच्छाई है वो हमें बुराई से बचाती है। हमें अच्छाई करने की ज़रूरत है। इसमें खाली पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है। पुलिस करती है अपने, देखो आप रोज़ सुनते पुलिस कितनी बड़ी काम कर रही है, लेकिन पुलिस के साथ साथ गाँव में जितने भी हमें अच्छे लोग हैं उनकी जिम्मेदारी है, मजहबी पेशवाओं की जिम्मेदारी है, आप लोगों की ज़्यादा से आप लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है। आप अच्छे अच्छे जो प्रोग्राम करते हो वो आगे भी उनको करना है और लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा इसको फैलाना है। बाकी उसमें जी मेरा नाम एडवोकेट सजाद अहमद खान है एंड मैं एज ए रिसोर्स पर्सन अपॉइंट किया गया था एज लीगल सर्विस अथॉरिटी की तरफ से। तो हमारा प्रोग्राम था ड्रग एब्यूज़ एंड ड्रग एडिक्शन के बारे में कि हम इसको कैसे रोकें, हम इसको कैसे जो है कम करें। हमें इसमें कुछ पॉइंट्स बोले, हमने इसमें कुछ लोगों को अवेयर किया। हमने बोला कि जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर करना है कि ड्रग्स से क्या क्या इल इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं, और इलिसिट कल्टीवेशन के बारे में हमने कहा, जो हमारे फार्मर्स जो है इलिसिट कल्टीवेशन करते हैं या जो हमारे केमिस्ट्स है जो ईज़िली अवेलेबल है मार्केट में करते हैं। तो हमने इसके बारे में स्ट्रॉन्गली हमने इसको कंडम किया कि हम कोशिश करेंगे कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा रोके और हम ऐसे प्रोग्राम्स जो है ज़्यादा से ज़्यादा हम और प्रोग्राम्स करें और लोगों को अवेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू दी। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा एक कदम उठाया गया है कि डिग्री कॉलेज कंगन की तरफ से इन कोलाब्रेशन विद तहसील लीगल अथॉरिटी कंगन। तो मैं समझता हूँ ऐसे इकदाम जो है वो इवेंट जो है होने चाहिए, क्योंकि इसमें एक यूथ में एक अवेयरनेस मिलती है। अवेयरनेस की ही वजह से जो है एक ड्रग फ्री सोसाइटी आपको मिल सकती है। आपको पता है कि यहाँ दिन ब दिन आपको ऐसे हादसा देखने को मिलते हैं जिसमें हमारी बच्चियाँ हमारे बच्चे जो है वो ड्रग एडिक्ट जितने भी लोग यहाँ पे उसमें मुलवस है, तो उनका हादसा के तौर आप देखो कि आज अखबार में ये आता है कि फलानी जगह एक हादसा आया, दूसरी जगह ये हादसा आया, और रिसेंटली ये लोग, मैं आपकी वसादत से एक इस यूथ को एक अपील करना चाहता हूँ कि ये जो है आप पहले अपने माँ बाप की तरफ देखिए, क्योंकि आपके ड्रग लेने से आपका सिर्फ नुकसान नहीं होता है या आपकी मतलब पूरी फैमिली डिस्ट्रॉय होती है इससे। और आपकी वसालत से मैं एक बात फिर दोहराना चाहता हूँ कि ये जो ड्रग है ये एक इंडिविजुअल को इन्वॉल्व नहीं करता है, पूरी सोसाइटी को इन्वॉल्व करता है। ये हमारी जिम्मेदारी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इंडिविजुअल लेवल पर भी, सोसाइटी लेवल पर भी, फैमिली लेवल पर भी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इस पर जो है नज़र रखें, और नज़र रखने के साथ साथ जो है अपने बच्चों को इस ड्रग से निकलने के जो इकदाम जो है उनके शेयर करें। और सबसे बड़ी बात स्टूडेंट्स को मैं आपके थ्रू एक मैसेज देना चाहता हूँ कि ये जो ड्रग है ये एक बुरी बला है। जैसे आपको पता है कि ये सिगरेट से स्टार्ट होके बड़े बड़े वो नशावर चीज़ें जो है इसमें उन चीज़ों पर ही ख़त्म नहीं होती है। जब आप लास्ट पर पहुँचते हो तो आप सोचोगे कि हम वापस आएंगे, लेकिन उस टाइम गुजरा होता है, फिर आप वापस नहीं आ सकते हो। एक बार फिर आपसे यही उम्मीद करता हूँ यूथ से कि इस वबा से जान बचाई, इसे दूर रहिए ताकि एक हेल्दी सोसाइटी मिले, हेल्दी आप लोग का हेल्दी फ्यूचर मिले। बाकी वसलाम।